भारत की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर से पटी हुई ऋषिगालव की तपोभूमि ग्वालियर से महज 105 किलोमीटर दूर सबलगढ़ किले के बारे में खूब सुना होगा और ये जगह एक समय करौली के राजा के अधीन थी। 16वीं 17वीं शताब्दी में बने इस किले की प्राचीर सिकंदर लोधी की तलवार और मराठा राजाओं के युद्ध की मूक गवाह है। इस किले की नींव सबला गुज्जर ने डाली, जबकि करौली के महाराज गोपाल सिंह ने इस किले का निर्माण पूरा कराया। किले का विचरण करने पर इसकी तत्कालीन भव्यता के बारे में खुद ही अनुमान लगाया जा सकता है। सबलगढ़ का ये किला राजस्थानी शैली में बना हुआ है, जिसके तीन दरवाजे हैं और कई मंदिर इस किले के अंदर मौजूद हैं। इसमें जगन्नाथ जी का मंदिर प्रमुख है। किले के अंदर नवल सिंह की हवेली और कचहरी भी दर्शनीय है। किले के पीछे सिंधिया काल में बना एक बांध है, जहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। 17वीं शताब्दी में बने इस किले ने अपने भीतर कई ऐतिहासिक तथ्य समेटे हुए हैं। इस किले ने कई राजाओं महाराजाओं के तख्त और ताजों को आसमान चूमते और फिर मिट्टी में मिलते हुए देखा है। लगभग 4 सदी पुराना ये किला आज भी शान से सिर उठाए खड़ा है, लेकिन आज इस ऐतिहासिक धरोहर को आसपास के लोग गर्व से नहीं बल्कि खौफ से देखते हैं और इसके पीछे कारण है इसके बारे में प्रचलित कहानियां। किले के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को रात के वक्त यहां से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। आपको बता दें कि सबलगढ़ का किला कभी चंदेल राजाओं के अधीन रहा तो कभी इस पर गुप्त मौर्य और कुषाण शासकों ने राज किया। वास्तुकला और शिल्पकला के शानदार नमूने के तौर पर इसकी विशालता और सुंदरता देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं, मगर किले से जुड़ी कहानियां इसके ऊपर ऐसी चस्पा हो चुकी हैं कि रात में तो दूर लोग दिन के भी समय इस किले में जाने से डरते हैं। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि कभी यहाँ राजा और रानी अपने पूरे कुनबे के साथ रहा करते थे। किले के अंदर हर समय रौनक और चहल पहल रहा करती थी, मगर आज की तारीख में ये किला वीरान पड़ा है। किले को लेकर खौफ इस कदर पसरा है कि गांव के लोग इस किले के आसपास भी नहीं फटकते। दरअसल कहा जाता है कि इस किले के राजा के बेटे की उसके दुश्मनों ने दीवार पर सिर मार मार कर हत्या कर दी थी, तभी से उस पत्थर से खून टपक रहा है। गांव के बुजुर्गों ने अपनी आंखों से उस दीवार से खून के आंसू निकलते हुए भी देखे हैं। गांव वालों का कहना है कि राजा के बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है, इसलिए दीवार से आज भी खून निकलता है।